मुखर्जी नगर इज़ लाइक अ ब्रांड फ्रॉम लास्ट लॉट ऑफ ईयर्स। आई थिंक 15 दिसंबर से शायद ओपन होने का ऐसा गाइडलाइन है। नमस्कार, मैं हूं शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से मौजूद हैं मुखर्जी नगर की ही गलियों में। आप देख सकते हैं अभी यहां पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, खाली खाली नज़र आ रहा है। और हम यहां से निकल रहे थे, हमें एक भाई मिल गए। आप यहां पे किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हैं? मैं SSC CGL। SSC CGL कहाँ से आप आए हुए हैं यहाँ पे मुखर्जी नगर में प्रिपरेशन करने के लिए? मैं बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी से आए हैं? हाँ। ये बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं? आई थिंक अप्रोक्स 1 ईयर। 1 ईयर? या थोड़ा तेज बोलिए अमित भाई। अब ये बताइए, मुखर्जी नगर में आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको बुलंदशहर से यहाँ पे ही आना चाहिए? बिकॉज इट्स अ प्लेटफॉर्म व्हेन एवर यू फील दैट That's the best place for coaching institute. And so I decided to come here. For I think there are a lot of teachers like Rakesh Yadav sir, Abhinav sir, for me. They are good teachers. So I feel like it's a good place to coaching. आपके क्या आपके यहाँ पे कोई पहले दोस्त थे जिन्होंने आपको बताया? आपको कैसे पता चला कि मुखर्जी नगर में बहुत सारे कोचिंग हैं? By the way, it's a मुखर्जी नगर is like a brand from last. Lot of years. Okay. For SSC, it's a best coaching hub. As you can say, like IIT is Kota and SSC CGL is like Mukherjee Nagar. So, past years में मेरे कुछ दोस्त भी थे जिनका selection हुआ है यहीं से तैयारी करके, और so I decided to come here to join offline coaching. But after COVID, no offline coaching is open. Everything is online. आप कौन से कोचिंग से कर रहे हैं प्रिपरेशन? मैं प्रूडेंस कोचिंग सेंटर है, राकेश यादव सर चलाते हैं उसको, तो मैं वहाँ से मैथ इंग्लिश करता हूँ। आपकी आपकी कितनी फ़ीस जाती है वहाँ की? एक साथ आपने फ़ीस जमा कराई है या फिर मंथली जाती है? नहीं, एक साथ पैकेज होता है, जैसे कोर्स पैकेज होता है। आपका रेंट जो है कितना पे करना पड़ता है रेंट का आपको? इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। आई एम लिविंग इन या फ्लैट विच इज़। आपका अकेले का है या फिर और भी? दे आर थ्री गाइज। थ्री गाइज, ओके। तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, 2000। तो अभी जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि मुखर्जी नगर में बहुत खतरा है, क्या ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। आप COVID-19 का अभी तो कोई कोचिंग ओपन हुआ नहीं है। अगर कोई कोचिंग ओपन होगा तो उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बरतेंगे। और If you want to come here, then there are a lot of option. Of these offline teachers, they all are online. So, okay. ये रहेगा कि आप online भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये लगता है कि आप online में अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं या फिर आपको ऐसा क्लासरूम वाला environment नहीं मिल पाता है, तो आप आ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक 15 दिसंबर से शायद ओपन होने का ऐसा गाइडलाइन है। 15 दिसंबर का ऐसा बताया जा रहा है, बट कोई पक्का नहीं है। एक बात और जानना चाहेंगे हम आपसे भाई, ये बताइए अमित भाई, यहाँ पे जो मुखर्जी नगर है बहुत सारे कोचिंग है, तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज में जो बच्चों को कोचिंग दी जाती है? एवरीथिंग इज बाइलिंगुअल, इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश, या बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि गुजराती मराठी पंजाबी ऐसा कुछ है? नो, इन द प्रॉपर फील्ड ऑफ CGL and SSC there are only 2 languages only. Okay. If there may be lot of languages, I don't know about that. Yeah, for UPSC also, but for SSC purpose there are 2 languages. Okay, तो यहाँ पे अमित भाई का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, इन्होंने अपना कीमती टाइम हमें दिया। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।